मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वह स्टोरी तो आपको याद ही है जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जब हमारा उपयोग शोपशम और मति ज्ञान की धारणा शक्ति कमजोर होती जा रही थी, उस समय चंद्र गुफा में किरनार पर्वत पर आचार्य धर्मसेन स्वामी समाधिरत थे, यूं समझ लीजिए आप समाधिरत, और उन्हें एक ही विकल्प था, यही भाव अविच्छिन्न समझते हो, अखंड धारावाही। जैसे 30 साल की लड़की हो जाए, 25 साल की लड़की हो जाए, वो शादी नहीं हो तो बाप को 24 आवर जैसे विकल्प आते हैं ना, इसको कहते हैं अविच्छिन्न। अविच्छिन्न भाव रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरतो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरतो। उसी समय अंकलेश्वर में सम्मेलन हो रहा था, मैं उसको स्टोरी को नहीं सुनाना चाहता, मैं शॉर्ट ही करना चाहता, बस वहां से दो मुनिराजों को बुलाया, उन्हें स्वप्न आया, दो बैलों ने आकर उन्हें प्रणाम किया। बैल निमित्त ज्ञान में, यदि आप निमित्त शास्त्रों का ज्ञान करेंगे, निमित्त ज्ञान को एस्ट्रोलॉजी में, तो सबसे बढ़िया प्रतीक माना गया वृषभ, दो वृषभ। आपको पता होगा स्वप्न में भी दो वृषभ आए थे, यहाँ पर भी दो वृषभ आए, उन्हें प्रणाम करके बैठ गए दोनों वृषभ, समझ गए दो मुनिराज पधारने वाले हैं, बढ़िया क्षोभसम वाले, ध्यान रखना बढ़िया छेप संभाले थे, लेकिन उनमें भी एक मुनिराज बहुत वृद्ध थे, कमजोर, और उन्होंने मात्र 100-125 सूत्र ही लिख पाए वो, और उनके बाद उनका अवसान हो गया। दो मुनिराज में से एक मुनिराज का अवसान केवल 125 सूत्र लिख करके ही हो गया, 115 करीब सूत्र लिखे उन्होंने, बस इतना से लिख पाए। तो सबसे ज्यादा काम दूसरे मुनिराज ने किया, जिनका नाम पुष्पदंत था, आज उनके नाम से आज ये महाग्रंथ जो हम अपने मस्तक पर लेके निकलेंगे, ये अद्भुत बात है। उन्होंने लिखे और एक बसती का, माने मंदिर, एक बसती का में विराजमान कर दिए। 2000 वर्ष में बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद वो मंदिर गिर गया, वहां पर बांस उगाए, जंगल उगाया गोमटेश्वर में, गोमटेश्वर की बात है, सिद्धांत बसदी नाम का आज जो एक मंदिर है वहां पर सिद्धांत बसदी कहलाती है, आप जाएंगे, वहां पर जंगल था एकदम। एक दिगंबर मुनिराज वहां पर चर्या के लिए गए, दिशा के लिए, दीशंका के लिए, तब वहां पर उन्हें मंदिर के अवशेष दिखाई दिए, तो उन्होंने वापस आकर के समाज में बोला कि यहाँ कोई अपना जैन मंदिर दिखाई देता है। लोग आए, समाज के लोग, सफाई की, मंदिर दिखाई दिया, वहां पर इस ग्रंथ की प्राप्ति हुई। कहीं से ग्रंथ मिल गया होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। उस ग्रंथ को लेकर आए, सुरक्षित किया भट्टारकों ने, बहुत लंबी स्टोरी है, सबको मालूम है, सभी लोग जब भी गोमटेश्वर या मूल बद्री जाते हैं तो वहां पर वे उस जमाने में 125 रुपया लेते थे, फिर 11 रुपया हो गया, अब लगभग 201 रुपया आज भी उसके दर्शन कराने मात्र के लेते हैं। 2000 वर्ष तक ये जो ग्रंथ था
मात्र दर्शन की वस्तु थी 2000 वर्ष तक। आप कल्पना कर सकते हो, संवत 183 में लिखा गया षटखंडागम, और 1884 में वो पहली बार दर्शन करने के लिए एक माणिकचंद जेपी हैं, बॉम्बे में बहुत प्रसिद्ध हैं, दानवीर हैं, बहुत बड़े दानवीर, उन्होंने जैन समाज के लिए बहुत काम किया। उनकी बहन जो विधवा हो गई थी उसने भी बहुत काम किया जैन समाज के लिए, माणिकचंद जेपी। वे 1884 में गोमटेश्वर बाहुबली गए, जब उन्हें ग्रंथों के दर्शन हुए षटखंडागम, तो उन्होंने पहली बार दर्शन करके ये कहा, क्या कोई व्यक्ति इसका मंगलाचरण पढ़ सकता है? ओल्ड कन्नड़, वो जो ग्रंथ था ओल्ड कन्नड़ में था, तो भट्टारक स्वयं उसको नहीं पढ़ सकते थे। 1884 में जो भट्टारक थे वो उस मंगलाचरण को पढ़ नहीं सकते थे। उन्होंने केवल इतना बोला कि एक व्यक्ति है जो मूल बद्री में रहते हैं, वो पढ़ सकते हैं इसको, और कोई नहीं पढ़ सकता। आप कल्पना करो, जिस षटखंडागम का इतना काम हुआ हमारे सामने, उस समय उस जमाने में केवल 4 व्यक्ति ऐसे थे जो उस ओल्ड कन्नड़ को पढ़ सकते थे। यदि वो 4 व्यक्ति एक्सपायर हो जाते तो ये षटखंडागम आज की तारीख में आपको देखने को नहीं मिलता, पढ़ने को नहीं मिलता, वो वहीं बंद रह जाता। नाम अपन भी गए होंगे सभी लोग, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा इसे पढ़ के दिखाओ। उनको ऐसा विकल्प आया कोई पढ़ के बता सकता है, तो उन्होंने कहा वो एक है, वो उसे पढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। उनकी तीर्थ यात्रा मूल बद्री से प्रारंभ हुई थी, इसलिए वापस मूल बद्री नहीं गए, वो वापस बॉम्बे आ गए गोमटेश्वर से। उनके एक मित्र थे पूना में, सोलापुर में, पूना या सोलापुर में है, सोलापुर में उनके एक मित्र हीराजी भाई, वे भी सेठ थे बहुत बड़े, वो तीर्थ यात्रा करने जाना चाह रहे थे भाई। तो उन्होंने उनको एक लेटर लिखा कि यदि तुम तीर्थ यात्रा करना जाना चाहते हो तो आप एक काम करना कि आप पहले मूल बद्री जाना, पहले गोमटेश्वर नहीं जाना, जैन बद्री कहलाता है, गोमटेश्वर का दूसरा नाम जैन बद्री है, आप वहाँ नहीं जाना, पहले मूल बद्री जाना। और वो विद्वान का नाम बताया उनको, उस विद्वान को लेकर के आप वहाँ जाना, ब्रह्मैया नाम है उनका, ब्रह्मैया नाम था उनका, आप उनको लेकर के वहाँ जाना और उनसे पढ़वा के देखना, ठीक है। वे सोलापुर से ब्रह्मैया पंडित को लेकर के गए और पहली बार उस षटखंडागम का मंगलाचरण उन्होंने अपने कानों से सुना। बाद में उन्होंने एक बहुत अपील की कि ये बहुत पुराने हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, क्या आप इनकी लिपि करने की अनुमति दोगे हमें, लिपि करने की? तो भट्टारक ने कहा हाँ ठीक है, आप लिपि करा सकते हो, लेकिन एक शर्त कि इसकी कोई भी कॉपी पूरे देश में नहीं जाएगी, वो लिपि करके यहीं रहेगी, हम किसी मंदिर को नहीं देंगे, किसी सेठ को नहीं देंगे। उस जमाने में भी, उस जमाने की बात हम करें तो 100-125 रुपया पर मंथ की सैलरी देनी पड़ रही थी उसके लिए। थोड़े लोभ में आ गए वो कि यदि मैं इसे करवाऊंगा तो फिर फायदा क्या है, मैं यदि इसे करवाऊंगा तो फायदा क्या है मुझे, आप लिखवा करके अपने यहाँ रख लोगे, हमारे पास तो आएगी नहीं वो, मैं इसे 100 रुपये महीने दे करके इसे काम करवाऊँ भी, प्रतिलिपि भी करवाऊँ, तो मुझे कोई फायदा नहीं। वे वापस आ गए, लेकिन एक जैन संदेश, जैन हितोपदेश, जैन हितेशी एक पत्र चलता था, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा और इस यात्रा का वर्णन लिखा पूरा कि हम वहाँ गए थे, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और यदि सारा देश की समाज तैयार हो तो 10 रुपये का मेंबर हम बनाना चाहते हैं, 10 रुपये का, और उस पैसा से जो इकट्ठा हो जाएगा उससे अपन लोग वो उसका प्रतिलिपि कराएंगे। उसी समय गोपाल दास जी बरैया जी जो मुरैना में रहते थे और अजमेर से उनके संबंध थे, अजमेर से परिचय थे, अजमेर के सोनी जी, वो सोनी जी उनको लेकर के वहाँ गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, प्रतिलिपि हमें मिले या नहीं मिले, लेकिन ग्रंथ सुरक्षित रहेगा तो कभी ना कभी मिल जाएगी, इसलिए इसकी प्रतिलिपि होनी चाहिए। सारे देश में लगभग 1000 रुपया इकट्ठा हुआ, 1000 रुपया इकट्ठा हुआ और वो काम शुरू हुआ, ब्रह्मैया जी को काम दिया गया। अभी एक बहुत अच्छी घटना घट गई, यूँ समझ लो कि ब्रह्मैया जी के मन में थोड़ा लोभ आ गया कि एनी हाउ इस ग्रंथ को बाहर निकालना चाहिए। आया तो लोभ का साइज है, लेकिन उन्हें आया कि निकलना चाहिए, तो फिर रातों रात छिप करके दिन में काम करते थे। उसमें लिखा है खर्रा, खर्रा समझते हो, खर्रा कागज की पर्चियाँ, उनको सही सॉल्व करने के लिए कागज की पर्चियों पर लिख लिख करके
इतना पहरा रहता था कि आप यहां से एक ताड़पत्र नहीं ले जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, इतना पहरा रहता था। तो उनका भोजन का टिफिन आता था, भोजन करते थे और भोजन के टिफिन मांझ धो करके उसके अंदर में खर्रा खर्रा, समझते हो, कागज की स्लिप्स, वो कागज इकट्ठा कर करके चुपचाप वो टिफिन में भेज देते थे। इस तरह से चोरी छिपे वो सठ खंडगम पहली बार बाहर आए। सठखंडगम बाहर आया। अब इन्होंने अकेले में अपनी पत्नी की मदद लेकर, क्योंकि पत्नी भी इंटेलिजेंट थी, लक्ष्मी नाम था उनका, वो दोनों मिलकर के वो ग्रंथ लिख रहे थे। नाम थोड़ा इधर उधर हो जाए, लक्ष्मी नाम है लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मेरी मूल मैंने रिकॉर्डिंग की वो देख के की है, इसलिए आप जिन्हें भी पढ़ना हो 30-35-40 पेज का इतिहास है, आप मेरे से PDF ले सकते हो। और मैं तो चाहता हूँ कि आज के दिवस वो कथा जरूर होनी चाहिए। उन्होंने उसको लिपिबद्ध करके, उनका एक ही काम था ये लिखना, लिखने का बिजनेस था उनका, लिख करके उन्होंने कई प्रति की। सबसे पहले वो माणिकचंद JP के पास पहुंचे कि भैया आप उछल पड़ोगे, मैं इतनी बढ़िया चीज लेकर आया हूं। बोले क्या? कि मैं सठखंडागम की प्रति लाया हूं। सुनते से ही उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा ली थी जिनवाणी पर हाथ रख करके भट्टारक से, कि हम किसी भी तरह से ये जिनवाणी बाहर नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खरीद सकता। और एक चिट्ठी लिख दी 16 पर हीरा जी भाई को, हीरा सेठ को, तुम भी मत लेना। वो बेचारा वहाँ भी गया, उनने भी नहीं लिया। सोनी जी के पास गए, उनने नहीं लिया। पूरे देश में घूम रहे वो आदमी। वो पहुँचा सहारनपुर, सहारनपुर के सेठ ने वो ओल्ड कन्नड़ का जो ट्रांस लिखा के प्रति आई थी, अब बोले भैया जी हमें समझ में तो आती नहीं, हम करेंगे क्या उत्तर भारत के लोग। लेकिन उन्होंने उस जमाने में 1,000 या 10,000 रुपया न्योछावर करके उस प्रति को अपने मंदिर में पहली बार विराजमान करवाया। जम्मू प्रसाद जी सहारनपुर ने वो ग्रंथ लेकर के वहां अपने विराजमान, आज भी वहां विराजमान है। आप यदि सहारनपुर जाएं तो उसके दर्शन करें। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी कि भैया तुम इसकी हिंदी करो तो कछु फायदा है। आप इसकी हिंदी कर दो तो कोई फायदा नहीं, तो ओल्ड कन्नड़ रखी रहेगी, हम जिंदगी भर देखते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, होगा क्या? तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं काम करूंगा। वो अपनी पत्नी सहित वहां पर आए, लेकिन संयोग की बात है कि 2-4 महीने या 6 महीने कितना काम कर पाए, लगभग लिखा मैंने टाइम उसमें कितना समय काम किया। मुझे एक्चुअली आपने कहा था कि जुलूस के बाद बोलूंगा, तो मैं थोड़ा सा देखना रह गया सुबह सुबह, यदि मैं देख के आता तो मैं एक चीज़ बता देता आपको। लेकिन उन्होंने थोड़ा काम किया, इसके बाद उनकी पत्नी गुजर गई, घर गए तो थोड़े दिन में बेबी गुजर गए। यदि हम कहें कि उन्होंने जिनवाणी बेचने का काम किया था, शायद अपन ऐसा कह सकते हैं लोग में, शायद इसलिए उनका एक भाग्य नहीं रहा कि वो पूरा काम कर पा रहे। फिर एक गजपति और थे शास्त्री, उन्होंने वो पूरा काम किया हिंदी का काम। यदि वो काम भी नहीं होता तो इसके बाद अब कोई हमारे पास ओल्ड कन्नड़ का जानने वाला नहीं था। उन्होंने वो काम कर दिया, कई प्रतियां बनाई गईं, उसकी करीब 15-16 प्रतियां अमरावती में, हमारे यहाँ सिरोंज, बासोदा, विदिशा, सागर, इस सब जगह वो पांडुलिपि उस समय गई, फिर कॉपी हो करके। अब इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं सुनाऊं, थोड़ी शॉर्ट कर दूं। 1910-15 तक का टाइम में ये सब काम हो गया। इसी बीच में अपने पास फूलचंद जी पंडित जी साहब हुए, सिद्धांत शास्त्री, ये सब विद्वान और हुए, हीरा लाल जी, डॉक्टर हीरा लाल जी साडूमर, अपने पास है टीकमगढ़ के पास साडूमर, इन लोगों के पास भाव हुए कि इसका संपादन होना चाहिए। जैसे ही इन्होंने कहा कि इसका संपादन होकर हम हिंदी में प्रिंट कराएंगे संपादन करके, जितना पैसा ग्रंथ छपाने पर खर्च नहीं हुआ उससे कई गुना खर्च इस बात पर खर्च हुआ, कई गुना पैसा इस पे खर्च हुआ कि हमें सठखंडागम छपाना नहीं चाहिए, बड़ी असाधना होगी, बड़ा पाप लगेगा, उसमें स्याही कैसी होगी, छापने वाला कौन होगा, कहाँ सुखाएंगे। पहले जमाने में सुखाना पड़ती थी, एक एक पेज सुखाना पड़ता था, कहाँ सूखेगी, कौन जाति का आदमी छुएगा, वो नहा धो के छापेगा कि कैसे करेगा। इतनी पूरे देश के समाचार पत्रों में इसका विरोध हुआ कि नहीं छपना चाहिए।
अब समझो कितनी बड़ी टक्कर थी वो। लेकिन सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी और इन लोगों ने मिल करके उसका संपादन का काम लिया, हीरा लाल जी वगैरह ने सबक्रम में दिया, उसमें उन्होंने सारा काम शुरू किया जैसे तैसे करके। 1930-31 तक आते आते ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब प्रकाशन की बड़ी आफत थी। सबसे पहली आफत तो ये थी कि भट्टारक जी से बहुत कहा कि आप हमें षटखंडागम दे दो तो हम उन्हें मिलान कर लेंगे, लेकिन षटखंडागम उन्होंने देने से मना कर दिया। फूलचंद जी हीरा लाल जी वगैरह को बिल्कुल नहीं दे रहे थे, नहीं दिया उन्होंने। आपको याद है पंडित टोडरमल जी साहब ने भी षटखंडागम देखने के लिए मंगाए थे वहाँ से, लेकिन उन्होंने दिए नहीं थे उस समय भी। एक या दो भाई की, डालू राम भाई की मौत भी हो गई थी उस समय। उस जमाने में 450 साल पहले 1,000 रुपया खर्च हो गया था उस जमाने में, 6 महीने लगे थे जाने में। आगे आपके सामने कितना कठिनाई से जिनवाणी आई ये मुझे बताना है अब आपको थोड़ा सा। 1932 में इटारसी में एक बहुत बड़ा जैन विद्वत परिषद का सम्मेलन था, उसमें बजाज जी उसके वो थे, क्या नाम है, जमनालाल जी बजाज जज थे जो उसके अध्यक्ष थे। बहुत बड़ा सम्मेलन था, पूरे देश के विद्वान वहाँ जुड़े हुए थे। उसी में विदिशा के भेलसा के सेठ लक्ष्मीचंद जी सिताब राय जी वे भी उसमें पहुँचे थे उस कार्यक्रम में। और उस जमाने में उनको विदिशा में गजरथ चलाने का भाव था जिस पर उन्हें 10,000 रुपये खर्च करने थे। गजरथ चला करके 3 दिन तक चलेगा, सबका भोजन होगा पूरे भारत से आए हुए लोगों का, उस पर उन्हें 10,000 रुपये उस जमाने में खर्च करना था 1932 में। 10,000 की मैंने बहुत बड़ी वैल्यू उस जमाने की। सम्मेलन के बीच में षटखंडागम छपाने की बात आई तो कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, छपाने का तो विरोध ही था। ये फूलचंद जी वगैरह, ये 3-4 विद्वान, जगन मोहन लाल जी वगैरह, ये सेठ जी के कमरे में गए जहाँ उतारा था उनका, उनके पास गए और उनसे हाथ जोड़कर कहा, हमने सुना है कि आप गजरथ कराना चाह रहे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, 10,000 रुपया 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन लोग खा पी के चले जाएंगे, आपका यस हो जाएगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा जैन शासन का, आप ऐसा नहीं हो सकता, ये 10,000 रुपया षटखंडागम छपाने में खर्च कर दो। 1:30 बजे रात को उन्होंने हाँ करी कि ठीक है, आई एम रेडी, उसको हम कैंसिल कर देते हैं और इस सिद्धांत साज छपाने का काम करते हैं। उन्होंने 10,000 रुपये की राशि से पहला सिद्धांत साज छपाने की अनुमति। आज भी उन्हीं सेठ जी के मंदिर के बाजू में एक बहुत विशाल मंदिर है, आप पिछली बार आए होगे, विदिशा में आए होगे आप लोग, एक बड़ा हाल में आपने देखा षटखंडागम खोदा हुआ है। विश्व में षटखंडागम किसी भी दीवार पर नहीं खोदा, केवल वहाँ उन्हीं की इसी यादगारी के लिए वहाँ पर खुदवाया गया, परमागम मंदिर उसको अपन कहते हैं। आइए तेजी से आगे बढ़े। ये ग्रंथ आया प्रकाशन में, लेकिन शायद है, मैं नहीं समझता हूँ, आज षटखंडागम 200-300 विद्वानों ने भी अच्छे से पढ़ा हो। ऐसा कहकर मैं कुछ इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। एक समय सारजी परमागम की भी बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी है। आपको पता है समय सारजी का सबसे पहला लाभ, अधिकतम लाभ यदि मिला है तो हिंदी प्रांत के लोगों को मिला है, जबकि वो कन्नड़ में लिखा गया था, दक्षिण में था वो, लेकिन दक्षिण में नहीं लिखा गया। दक्षिण के लोगों को ओल्ड कन्नड़ आदि नहीं थी, नई कन्नड़ छपी नहीं थी, समय सारजी छपा नहीं था, और जैसे तैसे हिंदी का काम कैसे हुआ इसकी लंबी स्टोरी नहीं सुनाता हूँ आपको, जैसे तैसे हुआ। उसको भी कोई पढ़ने वाला नहीं था। गुरुदेव श्री के समय के ठीक थोड़े समय पहले तक, यदि हम उंगलियों पर हाथ रखें ना, तो एक गाथा 31-32 नंबर की गाथा जो लिफाफे में पैक करके किसी ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा को मिलती थी, वो ये गाथा सौभाग भाई ने ला करके एक लिफाफे में बंद थी, सौभाग भाई ने भी पढ़ी नहीं थी उसको, प्राकृत की गाथा थी। श्रीमद राजचंद जी को ला करके भेंट की, और श्रीमद राजचंद जी तो बहुत विचक्षण थे, गादी पर बैठे ही बैठे उन्हें एकदम मति ज्ञान में भास गया, सौभाग भाई आ रहे हैं,
मेरे लिए एक लिफाफा ला रहे हैं, उसमें एक गाथा है। आए सौभाग भाई पधार। सौभाग भाई को आश्चर्य, जिस व्यक्ति ने मुझे कभी देखा नहीं, मैंने इनको देखा नहीं, इन्होंने मेरा नाम कैसे मालूम किया? बोले भैया, मालूम क्या बोलते थे इस गाथा को, 31-32 गाथा को? बीज मंत्र, सम्यक दर्शन का बीज मंत्र। बोले हमें एक व्यक्ति जो मरने वाला था, उसने मरते समय हमको ये लिफाफा सौंपा था कि तुम्हारे जीवन में कोई महात्मा मिले, कोई धर्मात्मा मिले, तो उन्हें आप ये सौंप देना। तब से मैं ये लिफाफा संभाले बैठा हूँ, सबसे पूछता हूँ विद्वानों से, साधुओं से, कि कोई धर्मात्मा है, कोई महात्मा है। तो एक व्यक्ति ने आपका पता बताया कि आप श्रीमद राजचंद्र जी बड़े विचक्षण ज्ञानी हैं, तो आपको देना चाहिए, इसलिए मैं आपको देने लाया हूँ। बोले हाँ मुझे पता है, इसमें गाथा नंबर ए है, और खोलो इसे और तुम पढ़ो। और उन्होंने गाथा सुना दी, वो वाली, इतना विचक्षण ज्ञानी थे वो, और गाथा मिला दी। एक जमाना था समय सार जी की गाथाएं लिफाफे में चल रही थी। हमें महिमा नहीं आती, इसलिए मैं कल कह रहा था, मेरा बस चला था, सही मैं कहूँ, मेरी चक्रवर्ती हूँ ना, तुमसे एक पैसा नहीं लो शिविर लगाने के लिए, पूरे देश में शिविर ही शिविर लगाऊंगी ऐसे। क्या क्या है जिंदगी का, एक एक पल सार्थक होता है इसमें। समय सार की कहानी सुना रहा हूँ, समय सार जी जैसे जैसे, तो आपको बताएं, एक गाथा या दो गाथा मिली थी राजचंद जी को, और उस एक गाथा के बदले में, दो गाथा के बदले में श्रीमद राजचंद जी ने 1000 प्रति समय सार जी की छपाई, 1000 प्रति। सारे ट्रस्टी टेंशन में, आगाज के सारे ट्रस्टी टेंशन में, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कोई समझता है नहीं। श्रीमद जी बोले चिंता नहीं करो, जिस दिन मोटा आर्डर आ जाए, समझना समय सार जी की प्रभावना का युग जाग गया है, छपाओ तुम। समय सार जी की 1000 प्रति छप गई, 30 वर्ष में 800 प्रतियां वहीं रखी रही 30 वर्ष तक, और 200 प्रतियां जितने विद्वान आते थे, कभी शीतल प्रसाद जी आए थे, एक भेंट कर दी, फला आए उन्हें एक भेंट कर दी, ऐसे करीब 10-25 प्रति बिकी होंगी, विद्वानों ने खरीदी होगी, वहाँ की सबको भेंट में दी 200 प्रतियां, काहे के लिए कि स्टॉक खाली हुए। लेकिन जब गुरुदेव श्री को समय सार जी मिला, तो 800 पूरी की पूरी प्रति एक साथ मंगाई, आगाज से मोटा आर्डर, जितनी हो उतनी भेज दो। इतनी खुशी छा गई आगाज में कि आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि 800 30 साल में बिकी नहीं और अचानक बिक जाए। राम जी भाई का पत्र पहुंचा कि आपके पास जितनी प्रतियां हमें दे दो आप, सारी प्रतियां आ गई। और उस दिन के बाद हजारों लाखों प्रतियां गुरुदेव ने छपा करके हमारे पूरे हिंदुस्तान में दे दी। क्या कहानी सुनाऊं आपको, एक समय सार जी कंपेरेटिवली और एक सटखंडागम, दोनों की स्टोरी सामने आ गई। समय सार जी ने जगह जगह क्रांति की, श्वेतांबर को दिगंबर बना दिया, जगह जगह क्रांति की। गणेश प्रसाद जी बंडी जी ब्राह्मण से दिगंबर जैन हो गई, ऐसे पढ़ते थे, पता है आपको, पूरी आत्मख्याति टीका याद थी, स्वप्न में एक एक घंटा, रात्रि में सोते में सपने में एक एक घंटा बंडी जी ऐसे जैसे देख के पढ़ रहे हो, ऐसे आत्मख्याति टीका याद थी उनको। शीतल प्रसाद जी की सब मजाक उड़ाते थे, समय सारी, कौन मजाक उड़ाते थे पता है, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री जो प्राचार्य थे बनारस के विद्यालय के, कौन के, पंडितों के प्राचार्य, वे मजाक उड़ा क्या, समय सार पढ़ते। लेकिन श्रीमद जी को मिला, क्रांति हुई। भैया भागचंद जी को मिला, उन्हें क्रांति हुई। आप क्या, अभी नाम किस किस के सुनाऊंगा इतिहास में, आप खुद पढ़ना इसे। भागचंद जी के जमाने में ऐसे ग्रंथ होते थे, समझ गए आप, ऐसे वाले, ऐसे नहीं होते थे जिल्द वाले, ऐसे होते थे, हाँ हाथ से लिखे हुए होते थे, ब्यावर धार इधर उनका बास रहा थोड़ा। वहां पर एक सोनी जी थे, वो ग्रंथ ले जाते थे और तोड़ मरोड़ के लाते थे, तोड़ मरोड़ का मतलब लापरवाही से जमाना रखना बड़ा कठिन। तो भैया भागचंद जी को इतनी तकलीफ हुई, उन्होंने मंदिर में बोर्ड लगा दिया, जिन्हें स्वाध्याय करना वो यहीं स्वाध्याय करेंगे, मंदिर में घर ग्रंथ नहीं ले जाएंगे। वो सोनी पैसा वाले थे, और इसको उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी,
उन्होंने भागचंद जी का इतना विरोध किया पूरे हिंदुस्तान में समाचार पत्रों में, और पत्र डाल डाल करके कि जी अपनी बाप की जायदाद समझता है और ग्रंथों को पढ़ने नहीं दे रहा है, इसको ज्ञान वर्णीकरण का बंद होगा, दुनिया भर की बदनामी करी पूरे देश में। तब उन्होंने दो पंक्ति लिखी थी, दो पंक्तियां वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैंने इतना आंखों में आंसू भरा है, जो स्टोरी आपको सुनाई ना कुछ भी नहीं, अभी कितनी मुश्किल से ग्रंथ छपे, कितनी मुश्किल से आए, कितनी मुश्किल से सारा काम हुआ। टेढ़ी भाई कटी, पहले ये टेबलें नहीं होती थी ऐसे लिखने के लिए। दिगंबर मुनिराज आचार्य कुंकुम स्वामी, इतना चौड़ा ताड़पत्र, इतना बड़ा ताड़पत्र साइज रहता है ना उसके, ऐसा ऐसे उस पर 6-6 लाइनें लिखनी है, मैंने 350 शब्द कम से कम लिखना है, 300-350 शब्द। इतने क्यों, यदि इतने चौड़े ताड़पत्र पर यदि हस्तलिखित से लिखे और दो गाथा लिखी मात्र, तो इतना बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। टीका लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, आप कैसे उठाओगे, कैसे रखोगे? आपको पता है ताड़पत्रों के ग्रंथ इतने बड़े बड़े होते हैं, इतनी साइज में, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। टीकाएं कैसे लिखी गई होंगी बताओ आप, अभी मूल ग्रंथ को देखना, मुझे सच कहता हूँ देख के ऐसा लगता है कांटों से बारीक से बारीक अक्षर लिखते हैं, बारीक से बारीक अक्षर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके कम से कम जगह में। इसलिए आपने देखा होगा पुराने ताड़पत्र देखे किसी ने, या वो हस्तलिखित पेज देखे, हस्तलिखित पेज उनमें पैरा चेंज नहीं करते, पैराग्राफ नहीं बदलते, इतनी जगह भी बचाते हैं। ग्रामर के बहुत सारे नियमों का पालन इसलिए नहीं करते थे, बल्कि सही बताऊं मैं आपको, जो क्या कहलाती संधि, संधि और समास, ये केवल ताड़पत्र के कारण आई। और आज ताड़पत्र नहीं है हमारे पास, इसलिए हम संधि समास का प्रयोग नहीं करते, हम खुले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्वार्थ सूत्र संधि और समास का संग्रह है। आजकल की हिंदी फैली हुई है, संधि विच्छेद वाली है। कैसे लिखे, आहार चर्या करने के बाद, सामायिक करने के बाद 12-12.5 बजे से लेकर शाम को 5:30-5 बजे तक, जब तक सामायिक का टाइम नहीं होता। आपको पता है वक्र गिरीवाचार्य, याद आ गया, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेढ़ी भाई कटी, कटी मैंने कमर, टेढ़ी भाई दृष्टि अधोगति जान, अधोगति झुक करके लिखना, अवस्था अधोगति मैंने अवस्था, लिखी जात अति कष्ट सो सठ जानत आसान। आप क्या समझ रहे हो, समय साजी कैसे आया आपके पास, हमारा कितना भाग्य होगा कि 2000 वर्षों में बहुत प्रलय हुए। कल तो कुछ भी नहीं था जी परसों, कल तो कुछ भी नहीं था जी परसों जो कुछ हुआ है, कैसे कैसे दिन बीते हैं आपके। समय सारजी पूरा का पूरा अखंड, एक नहीं कई टीकाएं हमारे पास आ गई आज। सही बताएं, यदि यहाँ गोमते उल्टा नहीं लेना, यदि सठखंडागम का सेवे लगा देते हैं 50 लोग नहीं बैठते। हम कहते 1 करोड़ रुपये खर्चा करो, कोई खर्चा भी नहीं करता, ना कोई आता ना जाता, केवल एक समय सारजी की कृपा है और पूज्य कांजी स्वामी की कृपा है, जिसके वजह से इतने बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, सारे पूरे देश में शिविर लग रहे हैं, और लोग पैसा ऐसे कर रहे हैं। नहीं, आप चिंता नहीं करो, आपके शिविर में घाटा नहीं पड़ेगा, कमी नहीं आएगी, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंताएं भी हैं इनको, ये बात भी सही है, क्योंकि जो जो आना चाह रहे थे वे आए नहीं, जिनसे हमें मिल सकता था वे आए भी नहीं। अब क्यों, गाँव है छोटा सा, कोई बड़ा व्यक्ति का नाम होता तो बात अलग होती है। नहीं कोई बात, चिंता की बात नहीं, मेरा मतलब तो है कि ये दो ग्रंथों की अपने तुलना कर ली इतनी देर में। एक ग्रंथ बड़ी मुश्किल से छपे, गाड़ी तो बहुत तेज भग रही है, हम क्या करें बता, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। चलो, इतिहास तो पूरा नहीं कह पाया अभी, कैसे करके वो जिनवाणी आई, और आज हम लोग कह रहे हैं कि पंडित जी हमारे घर में जगह नहीं है। क्या ये जिनवाणी हम सोनागिर में छोड़े हैं? हमारे घर में बहुत जिनवाणी है, परमागम मंदिर में छोड़े हैं। पंडित जी आप बताओ, कहीं गलवा दें कागज की फैक्ट्री में? ऐसी तकलीफ होती है, तुम्हारे घर में नई बहू आती है ना तो एक नया कमरा बन जाता है, और जिनवाणी माँ आती है तो एक कमरा नहीं बन सकता, अलमारी नहीं आ सकती, एक अलमारी और नहीं आ सकती।
मैंने तो एक गीत लिखा था, बहुत रोते रोते लिखा था, रोते रोते बहुत, भोपाल में जब शिविर लगा था उस 87-88 के, तब लगा लिखा था। सुना होगा आप लोगों ने, उसकी फेमस लाइन है, ज़्यादा तो नहीं सुना रहा हूँ। जिन वाणी माता आंसू बहाए, कोई पढ़े नहीं कोई सुने नहीं, नित ही बरते कसाय। जिन वाणी माता आंसू बहाए। मैं तो आप सबसे कहता हूँ भैया, यदि शिविर लगे जिन वाणी का, तो आप साक्षात ये समझो कि महावीर भगवान का समो शरण को बचाए रखने का अंतिम साधन है। आपको कुछ नहीं मिलता हो तो भी आओ, मैं सबसे कहता हूँ आप आओ, अटेंडेंस दो अपनी, भव्यता दिखना चाहिए सबको, बच्चों को लगना चाहिए। हमारे शिविर, हमारे जमाने में ऐसे शिविर लगते थे, देश भर के लोग आते थे। आप नहीं मालूम मेरी छाती कितनी चौड़ी होती है आप सबको देख कर, बहुत बहुत आनंद आता है। इतना बढ़िया माहौल देख के हमारे खनिया धाना के सारे बच्चों को लगेगा जरूर कोई बात है, जरूर ये पढ़ने लायक है। अंतिम पंक्ति सुना रहा हूँ उसकी, आ जा आ जाओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे, मोक्ष महल में जा। जिनवाणी माता आंसू बहाए। ये पंक्ति मैंने क्यों लिखी पता हूँ, जब भी मैं तीर्थ क्षेत्रों में जाता हूँ तो मैं अलमारी देखता हूँ। मैं क्या कहूँ आप सबसे, हाथ जोड़ के निवेदन करूँ जिनवाणी के सामने, बोलो पूजा की जिनवाणी, स्वास्थ्य स्वाध्याय की जिनवाणी, आड़ी टेढ़ी चाय जैसी रहे अपनी पूजा करिए, जय दया छोटी। यदि आपके आंखों के सामने जिनवाणी आड़ी टेढ़ी है तो आपकी केवल इतनी ही पूजा है कि आप उसे व्यवस्थित कर दें, और यदि आप पढ़ करके विराजमान कर रहे हैं तो अच्छे से विराजमान करें, आज इसका संकल्प ले लो बस। अरे बेटा आप भावुक ज्यादा मत हो, बड़ी अच्छी बात है। मेरा मतलब जिनवाणी काय से, भाई आपको पता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, यदि भाई साहब ये साहित्य नहीं हो तो आपको कैसे कहूं आपको, आपको पता है महावीर स्वामी के समय में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध पहले जन्मे थे, महावीर भगवान का जन्म बाद में हुआ। आपको खबर है पूरे हिंदुस्तान में से गौतम बुद्ध का नाम और निशान मिट गया, लेकिन जैन शासन केवल ये जिनवाणी, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे इस ग्रंथ की वजह से बची रही। हमारे पूरे देश में मंदिर हैं, पूरे देश में जिनवाणी पढ़ी जाती, उससे हमारे साहित्य से हमारी पहचान बाकी है। उनके यहाँ क्या गड़बड़ हो गई जो वो नहीं कर पाए? उनका मैक्सिमम साहित्य वहाँ था नालंदा विश्वविद्यालय में, 7 स्टोरी थी, 7 बड़े बड़े हॉल लाइब्रेरी के, 7 बड़े बड़े हॉल जिनमें हमारे ग्रंथ भी थे। आपको याद है जैन ग्रंथ भी वहाँ थे, उनकी होली जला दी गई। उस दिन गौतम बुद्ध का सारा लिखित साहित्य नष्ट हो गया, लेकिन जो ट्रांसलेशन होकर चाइना में गया था, ताइवान में गया था, तिब्बत में गया था, उस ग्रंथ से वापस ट्रांसलेट होकर वापस इधर आ रहा है, और उसी का फल है कि उनके ग्रंथों की शुद्धता पूरी तरह से नष्ट हो गई, अहिंसा नष्ट हो गई। वे कहते हैं केवल 4 तरह का मांस नहीं खाना चाहिए, बाकी सारा मांस खाना चाहिए, ये उनके ग्रंथों में लिखी, जबकि गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पालन किया था। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा इतिहास इस समय, लेकिन आप समझो आज यदि हम जीवित हैं और पूरे विश्व में, मैं क्या कहूँ, आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए। जब हम अमेरिका पंचकल्याणक में गए, हम लंदन के पंचकल्याणक में गए, जैसे ही हवाई जहाज से उतरे, अरे जैन लोग निकल जाओ, इनमें कभी कोई आतंकवादी नहीं हुआ, ये इनकी कृपा है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, हम 0.5% से भी कम हैं। इसके बावजूद पूरे वर्ल्ड के हवाई जहाज में यदि भोजन का मीनू आता है वो, तो उसमें लिखा रहता है जैन मील। केवल 0.5% का इतना महाभाग्य है कि वे लिख रहे हैं जैन मील, जिसमें आलू नहीं बनेगा, जिसमें प्याज नहीं बनेगी। और धिक्कार है उस समाज में बच्चों को जो इस संस्कृति नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ करके वे जाते, नहीं हमें सब चलता है, नॉन वेज चलता है, हमें चलती है आलू की सब्जी ले आओ, चलेगा हमें,
ऐसी बात कहकर यदि पूरे वर्ल्ड में कोई सुन रहा हो तो मैं उन जैनियों से कहता हूँ, बेटे आलू मांगने से पहले, नॉन जैन समाज के सामने आलू मांगने से पहले आत्महत्या कर लेना, लेकिन महावीर भगवान का केसरिया ध्वज नीचे नहीं करना। बेटे आपको नहीं पता ये जिनवाणी आपको कैसे मिल गई है, वो मुड़ी तुड़ी जिनवाणी जब मैंने देखी ना मैं मंदिरों में, तब ये पंक्ति लिखी थी। यदि आज की तारीख में भी तो उस मंदिर के अलमारी खोलोगे जहाँ पुरानी जिनवाणी है अथवा तो ग्रंथ है समय सारा आदि, और जो ऐसे अस्त व्यस्त हैं, फट रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम गाथा खोलोगे या ग्रंथ खोलोगे तो उसमें से एक ही आवाज निकलेगी, आ जाओ चेतन प्यारे, जिनवाणी माता तुझको पुकारे, मोक्ष महल में जा, जिनवाणी माता तब हर साय। और नहीं तो आशीर्वाद, और क्या करें। ये स्टोरी पूरी नहीं हो सकती, बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने लिख दी 35-40 पेज, बहुत मेहनत की है इस मामले में, बहुत जगह इकट्ठा सब करके एक एक इतिहास डेट वाइज सब लिखने की कोशिश की है इसमें। मैं तो चाहता हूँ इसे पढ़ो अच्छे तरीके से। भैया फिर कहता हूँ मैं आपको, पहले से हम ज्यादा संपन्न हुए हैं, लेकिन यदि तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि जिनवाणी के लिए जगह नहीं है, जो लोग कहते हैं ना पंडित जी पढ़ता तो कोई है नहीं, कहाँ तक खरीदें, कहाँ तक ले जाएं, पढ़ता तो कोई है नहीं, तो फिर तुमसे तो ईसाई अच्छे हैं, फ्री फोकट में साहित्य ऐसे बांट रहे करोड़ों रुपए का। कल एक बच्चा बोल रहा था, अपना ज्ञान धर्म कौन पढ़ेगा, काय के लिए अंग्रेजी सीखें, कौन के लिए अंग्रेजी में समझाएं। मैंने बेटा इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है हमारा, हम बस थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं हो, थोड़े से निकल करके बाहर झांके, दुनिया हमारी ओर झांक रही है। अनेकान तो सियादबाद लिमिटेड जेएनयू के लिए नहीं लिखे गए थे, वे पूरे वर्ल्ड के लिए लिखे गए थे, हम उसे पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाए। कैसे कहूँ आपको, चलो कभी जिनवाणी बाहर नहीं करना भैया, खूब सेवा करना, बरसात निकल जाए तो खूब सुरक्षा करो, धूप दिखाओ, उनमें जीव नहीं पड़नी चाहिए, मंदिर की जिनवाणी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए, बाकी जितना आप सेवा समार कर सकते हो इसका नाम भैया वृत्ति है, भक्ति है, बहुत बड़ा काम है, आप इसे जरूर करो। फिर एक बात कि जिनवाणी का प्रचार प्रसार आप अपने बच्चों में भी, देश में भी और विदेश में भी अंग्रेजी के बिना नहीं कर पाओगे, ये बात मैं फिर याद दिला रहा हूँ। मैं चाहे यूँ समझ लो कि मैं भविष्य दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ भविष्य, जो बच्चे जितनी तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ मैं देख के कह रहा हूँ आपको, मेरा निवेदन स्वीकार करके, मैंने कई बार निवेदन किया, जब गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाया था 15 साल पहले 17 साल पहले, तब भी मैंने अपील की थी कि कोई प्रवचन सार जी ग्रंथ एक भी गाथा हटाए बिना, प्रवचन सार जी ग्रंथ एक भी गाथा हटाए बिना पूरे विश्व के 146 यूनिवर्सिटी में कोर्स में पढ़ाया जाता है प्रवचन सार जी। जैन दर्शन का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहित का असली परिचय, असली परिचय प्रवचन सार जी में है, पूरे विश्व में पढ़ाया जाए, कितना बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन जब हमें ही नहीं पढ़ो जानत, हमारे विद्वान ही उसका अर्थ नहीं कर पाते थे समय सार प्रवचन सार का, यदि गुरुदेव श्री नहीं मिलते तो हम शायद अंगूठा टैग बने रह जाते और दर्शन ही करते रह जाते। लेकिन आज पूज्य गुरुदेव श्री फिर बहुत महिमा आ रही है, मैंने उनसे बहुत निवेदन किया 15-17 साल से कि कोई व्यक्ति गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो, ताकि इंटरनेट के माध्यम से फिर बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ करा के, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा कर हम प्रवचन सार जी की एक एक गाथा का मर्म पूरे विश्व तक पहुँचा सकें, और तब दुनिया को इतना ताज्जुब होगा जैसे आपको ताज्जुब हुआ, अरे गुरुदेव श्री ने इतना अर्थ खोला। गुजराती में बोलते हैं क्या थी अर्थ काढ़े छे, क्या जैने अर्थ काढ़ियों ने लाव्या, वो जो ताज्जुब होता है ना सारे विश्व को, तब ताज्जुब होगा, ओहो हम क्या पढ़ते थे और क्या पढ़ना इसका मर्म था। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देने की इच्छा होती है राजेश सिंह भी जो बस्त्रापुर में रहते हैं, इस काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, बे और उनकी मैसेज बैठ करके ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और उसके संपादन का काम कहिए या चेक करने का काम कहिए, बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही मेहनत का काम, और वो काम हमारे ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब कर रहे हैं, उनके सम्मान में हम बहुत आभारी हैं उनके, मेरी बहुत
ये भावना है कि भाई 100 बरस नहीं 200 बरस जिए, क्योंकि ये काम इतना कठिन है कि वे बहुत बहुत ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं। यदि वो ये काम करेंगे तो इतना प्रमाणिक काम होगा गुरुदेव श्री के प्रवचन का, ट्रांसलेशन का, वो शायद किसी और से होना बड़ा कठिन काम है। एक छोटा सा इतिहास आपको सुनाया, अंतिम एक छोटी सी घटना और सुना कर आपको बात पूरी करूं। बच्चे बैठे हैं सबके सामने, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ये बात, बेटे जैन शासन बहुत आसानी से नहीं मिला है और बहुत आसानी से नहीं बचा है, लेकिन इतना पुण्य हमारा रहा है। मैं कितनी घटनाएं सुनाऊं, 1947 के दंगों में लाखों हिंदू मारे गए, लाखों मुसलमान मारे गए, लेकिन एक भी जैन भाई नहीं मारा गया, एक भी जैन भाई नहीं मारा। जबकि हम पाकिस्तान से भारत आए, सड़क रास्ते से भी आए, हवाई जहाज से भी आए। हवाई जहाज वाला तो समझ में आता है कि सुरक्षित आ जाएगा, लेकिन सड़क मार्ग से आने वाला सुरक्षित आया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी एक भी मूर्ति खंडित नहीं हुई, हमारा एक भी ग्रंथ नहीं जलाया गया 1947 के दंगे में। हमारी 100% जिनवाणी और 100% 84-85 प्रतिमाएं बड़ी बड़ी, हमारे श्रावकों ने अपनी दुकान छोड़ी, जवेरात की दुकान छोड़ी, कपड़े की दुकान छोड़ी, किराने की दुकान छोड़ी, उधार पैसा डुबा दिया उन्होंने अपना, लेकिन सारी जिनवाणी और सारी सारी मूर्तियां लेकर भी जयपुर आ गए। आज भी आपको मिलना हो, वहां से आए व्यक्ति शरणार्थी थे, टेंट हाउस में रुके हुए थे उस समय। जैनियों ने, चैन सुखदास जी ने उनकी बहुत मदद की थी उस जमाने में, धर्मशालाओं में पड़े हुए थे, लेकिन एक भी जैन जो वहां से यहां पर आया भारत, चाहे वो मेरठ में हो, मेरठ में बहुत बड़ी बस्ती है, दिल्ली में हो या जयपुर में हो, तीनों जगह हर व्यक्ति करोड़पति और अरबपति से कम नहीं आज की तारीख में। हमारी रक्षा हमारा पुण्य करता है। बेटे समता मत छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना, हमारा कल्चर जो हमें मिला वो मत छोड़ना। आपको कभी भी मशीन गन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवॉल्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पुण्य ही आपकी रक्षा करेगा। करीब 600 से 800 बरस, मेरे ख्याल से 800 बरस के लगभग मुगल काल का शासन रहा है। 800 बरस तक दिल्ली में जैन लोग थे, जैनों को मंदिर बनाने की परमिशन नहीं थी। जैनों के यदि मंदिर बन जाते थे तो शिखर लगाने की परमिशन नहीं थी। महावीर जयंती का जुलूस निकालने की परमिशन 800 बरस नहीं मिली हमको। पहली बार जब अंग्रेजों के राज्य में हमें महावीर जयंती का जुलूस निकालने की बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। वहां पर किसी ने कान भर दिए मुस्लिम शासक के कि ये जैन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम मांसाहारी हो ना, इसलिए तुम्हें से घृणा करते हैं, वे रात्रि भोजन नहीं करते, आप रात में खाते हो, आपके जो रोजा होते हैं वो रात का उपवास कहलाता है, इनका दिन का होता है, वो रात को पानी तक नहीं पीते, ऐसे ऐसे कान भर दिए। मुगल शासक को इतना गुस्सा आया कि ये जैनी मुट्ठी भर लोग वो मेरा तिरस्कार करते हैं। उसने ऑर्डर निकाल दिया, जो लोग रात को नहीं खाएं उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन्हें दिल्ली के शासन से बाहर निकाल दिया जाए। ऑर्डर निकल गया, कुछ तो होते ही जरा, चाहे कुछ हो जाए हम रात को नहीं खाएंगे, मारे गए हम, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, लूट लिए गए। उस समय समझदार बुजुर्गों ने काम किया, मीटिंग बुलाई गुप्त रूप से, भैया ऐसे मरने से अपना जैन समाज खत्म हो जाएगा, जैन मंदिर खत्म हो जाएंगे, स्वाध्याय खत्म हो जाएगी, जिनवाणी खत्म हो जाएगी, ऐसा मत करो, एक काम करो, आज से हर घर में रात को चूल्हा जलेगा। कौन कह रहा था पता है? प्रतिमाधारी, त्यागी और व्रती, सारे समाज में फैसला पास हुआ, हर घर में रात को लकड़ी जलाई जाती थी तो धुआं उठता था, उससे पता लगता था कि ये रसोई जल रही है, रसोई बन रही है। खलबट्टा बजाए जाते थे हर घर में, खलबट्टा, पानी की डेगची में चम्मच घुमाई जाती थी। पूरे जैन समाज ने एक टाइम भोजन करके गुजारा किया, लेकिन रात्रि भोजन नहीं किया। आवाज आती थी पंडित जी की, क्योंकि जो जो मैन मैन होते थे त्यागी व्रती प्रतिमाधारी, उनके जासूस लगे रहते थे मुगल काल के जासूस, स्पेशल लोगों के पास। तो त्यागी व्रती लोग 7-8 बजे ऐसा कहते थे, अरे भोजन बना के नहीं, भूख लग रही है, जल्दी बनाओ। तब अंदर से आवाज आती थी, कड़ी बन रही है, जरा गम खाओ। ऐसे करके रातें बिताई हैं। कैसे कैसे आपको इतिहास सुनाऊं, कैसे हमें एक मुगल शासक का
क्या कहना चाहिए, जलूस निकल रहा था। एक भट्टारक ने तंत्र विद्या के द्वारा, मंत्र विद्या के द्वारा उसे कीलित कर दिया। बहुत उदम मुझे हाथी लगाए गए, सब लगाए गए, कुछ नहीं हुआ। बोले क्या है? बोले भैया देखो, तुम जैन समाज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, जैन गुरुओं ने आपका क्या बिगाड़ा, जिन वाणी ने क्या बिगाड़ा, हम आपका क्या बिगाड़ते हैं, हमारा एक भी अपराध हो तो बताओ पूरे दिल्ली में। बोले नहीं है, बात तो सही है, अन्याय अनीति लूट माट मिलावट भ्रष्टाचार है तो बताओ आप। कि नहीं कोई नहीं। सुनो, जैन शासन के यक्ष होते हैं, देवता होते हैं, वे आपसे कुपित हैं, यदि वे ही प्रसन्न होंगे तो ये निकल पाएगा आपका जुलूस, नहीं तो निकल नहीं पाएगा। नहीं तो निकाल लो, तुम निकाल सकते हो। सारी कोशिश करके हार गया वो, हाथी लगाए, जे लगाए, बुलाए, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार नवाब ने कहा कि तुम निकाल के दिखाओ, तुम चला। और उनकी तो विद्या ही थी वो, तो बोले आप महावीर जयंती का जुलूस निकालने की अनुमति दो और शिखर पर कलश चढ़ाने की अनुमति दो। रथ चलने लगा, उनका बस खत्म हो गया, सबको लगने लगा और गजब हो गया, गजब हो गया। कैसे शुरुआत हुई आप कल्पना कर सकते हैं? पूरे हिंदुस्तान का प्यारा है सोनागिर, पूरे हिंदुस्तान का प्यारा है, सेंटर में पड़ता है हिंदुस्तान का हल्ट, तीर्थ क्षेत्र के नाम पर। लेकिन वहाँ कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी, बम्बई से आने वाली, दिल्ली से आने वाली, कलकत्ता से आने वाली, कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। अंग्रेजों के ज़माने में मथुरा दासी टड़ैया ललितपुर के, राजनीतिक पहुँच थी, कहा भैया जी हमारी रेल रुकना चाहिए, बम्बई वाले बड़े परेशान होते, पहले झांसी उतरें, फिर दतिया जाएं, फिर वहाँ सोनागिरी जाएं, फिर बैलगाड़ी से जाएं, बड़े परेशान होते। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा तो एक नियम है, जिस स्टेशन के 30 टिकट 25 टिकट बिकेंगे रोज, कम से कम 25 टिकट पूरे इंडिया में बिकना चाहिए उस स्टेशन के, पूरे इंडिया में 25 टिकट उस स्टेशन के बिकेंगे तो वो रेल कंटिन्यू हो जाएगी। अरे मथुरादास जी बोले तो ठीक है, बस खत्म। सबसे पहले छत्तीसगढ़ ट्रेन के टिकट उन्होंने ललितपुर के स्टेशन पर आते थे, 25-30 टिकट खरीदते थे, फाड़ के फेंक देते थे, घर चले जाते थे। 2 महीने तक रोज आए, टिकट खरीदे, फाड़ के फेंके, छुट्टी भाई, रिपोर्ट चली गई, इतने टिकट रोज बिक रहे हैं। बस उस दिन का दिन है कि छत्तीसगढ़ आज तक बंद नहीं हुई। बेटे मैं फिर कहता हूँ बेटे, इतना पवित्र शासन कितनी कष्टों से हमारे तक आया है, यदि आज तुम चाहते हो कि इसे हम श्रद्धांजलि दें, भक्ति करें, तो एक ही प्रतिज्ञा करो कि हम इसका अध्ययन करेंगे, इससे अच्छा अर्घ नहीं हो सकता, इसका स्वाध्याय करेंगे और अल्पकाल में भगवान बनेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सभी लोग जिनवाणी पढ़ें, खरीदें, अपने मित्रों तक पहुँचाएं, ये नहीं सोचे कोई नहीं पढ़ेगा। तुम जी क्यों सोच रहे हो, जिनवाणी माता बांझ नहीं होती है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जिसकी रुचि नहीं थी, शराब पीता था लड़का, सिगरेट पीता था, नाश्ता कूदता था, बिल्कुल भ्रष्ट। लेकिन दीवार होली का टाइम आया, होली का टाइम, अब 2-4 दिन निकल नहीं सकते बाहर, होली बहुत उदम मचता है, बैठे बैठे अचानक विकल्प आया, एक ग्रंथ उठाया उसने, एक जिनवाणी निकाली, पढ़ा, जिज्ञासा खड़ी हो गई, आज वो लड़का ब्रह्मचारी है। आप क्या समझते हो भाई साहब, यदि आपके घर में जिनवाणी है, मैंने भगवान का लेटर, भगवान का संदेश, भगवान की दिव्य ध्वनि है, एक भी घर जिनवाणी से शून्य नहीं होना चाहिए और किसी का घर रहने नहीं देना। आपका काम पहुंचाना है, आप पहुंचाओ ना, देव क्या बोलते हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। जैन शासन का गरिमामय इतिहास है, हमारे जाने के पहले ये कलंकित ना हो, नहीं नहीं गलत बोल गए, हमारे जाने के बाद भी कलंकित नहीं हो। एक घटना और सुना करके मैं बात पूरी करता हूँ। गोपालदासी बरैया जी थे, ठीक है, गोपालदासी बरैया जी उस समय भी रूट, क्या बोलते हैं, रूट टिकट बनता था, रूट टिकट समझते हो, तीर्थ यात्रा करने के लिए आप ऐसे बॉम्बे से ऐसे घूमते घूमते आओ और कलकत्ता से वापस आ जाओ, तो एक ही टिकट बनता था और आप पूरी यात्रा कर सकते थे देश की। तो उन्होंने रूट टिकट बनवाया गोपालदास जी बरैया जी ने मथुरा स्टेशन पर। अब उनका बच्चा छोटा था उस समय, लेकिन तीर्थ यात्रा करते करते वो बीच में बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब इतना बड़ा नहीं हो गया जितना बड़ा तुम समझ रहे हो। वो मैंने वो
टिकट आधा लेना चाहिए उसका, इतना बड़ा हो गया। टिकट आधा भी नहीं लगता था, जीरो टिकट था, लेकिन आधा टिकट लगना चाहिए था, और 3 महीने की टिकट थी वो, 3 महीने। तो आखिरी के 15 दिन में वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें याद नहीं रहा कि अपना बच्चा बड़ा हो गया। घर पहुंच गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, टीसी ने किसी ने कुछ नहीं कहा, घर पहुंच गए। फिर घर जाके याद आई पप्पू को जन्म तो 15 दिन पहले का, अरे सपने तो आधा टिकट लिया ही नहीं। तो फिर रेलवे स्टेशन आए, रेलवे स्टेशन, और एक अंग्रेज कलेक्टर था, टिकट कलेक्टर, टीसी, उसे हाथ जोड़ के कहा भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे चोरी हो गई। तो उसने सोचा कोई बहुत बड़ी चोरी करी होगी, क्या चोरी करी बोलो। कि साहब वहाँ पप्पू 15 दिन उसका टिकट नहीं ले पाए हम। अरे कोई भाई, कोई भाई, लेट गो, लेट गो भैया, लेट गो नहीं, हमें मोक्ष में जाने। हम क्या करेंगे बताओ। गिड़ गिड़ा के हाथ जोड़ के वो 15 दिन का कैलकुलेशन करके पैसा जमा कराया। उस अंग्रेज को इतना विस्मय हुआ, इतना विस्मय हुआ कि इसमें क्या दम थी चलता है। उसने मोरेना की रेलवे की जो डायरी होती है, डायरी रिकॉर्ड बुक, उस रिकॉर्ड बुक पर लिखा है उसने खुद स्वर्णाक्षरों में, मैं भारत के जैनियों से प्रभावित हूँ जो एक पैसे भर की चोरी नहीं करते। गोपाल दास जी बरैया, मालूम है इस घटना के बाद गोपाल दास जी बरैया जी को ऑनरेरी जज बनाया गया था। जब वे बॉम्बे गए थे ना जज का काम संभालने के लिए, तो कालीन, जैसे जो कालीन है ना, कालीन अंग्रेजों के जमाने में कालीन हर किसी को नहीं बिछाते, ऐसे कालीन बिछाया था अंग्रेजों ने, और वे उस पर चल करके हाथी पर बैठ करके आए थे। क्यों? इसलिए नहीं हाथी पर बैठ करके आए थे कि हमारा मान, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जैन समाज का मान रहना चाहिए। गोपाल दास जी बरैया जी कलकत्ता में गए थे, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन आर्य समाज वालों ने कह दिया कि तुम्हारे जैनियों में दम हो तो हरा के बताओ। अब कोई था ही नहीं उनसे विवाद करने वाला, शर्त ये थी कि संस्कृत में वाद विवाद होगा। आर्य समाज वाले संस्कृत जानते थे, गोपाल दास जी बरैया जी संस्कृत नहीं जानते, क्यों? वो मूल में इंजीनियर थे, मूल में इंजीनियर थे, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन बैठ गए। अब जैन समाज की नाक का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में कोई मुकाबला करने तैयार नहीं, जब बैठ गए सवाल शुरू हुआ, उन्होंने संस्कृत में जब प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, अभी ने तो कहीं समझ में आए नहीं संस्कृत के प्रश्न। इन्होंने द्रव संग्रह की टीका बोल, द्रव संग्रह की गाथाएं बोलना शुरू कर दी, धड़ 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 धड़। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रही हो। तो सारी पब्लिक बोल रही भैया हमें समझ में ही नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा गोपाल दास जी बरैया जी तुम्हें इनके प्रश्न समझ में आए थे, जब तुम्हें इनके प्रश्न समझ में नहीं आए तो हमारे उत्तर कैसे समझ में आए। तब ये बात हुई कि हिंदी में होगी, तब हिंदी में होगी, और हिंदी में हुआ तो ना जीत लिया, बस फटाफट जीत गए। कलकत्ता में गोपाल दास जी बरैया जी का शानदार जुलूस निकाला गया था हाथी में बैठा कर। इतनी घटना सुनाए, ऑनरेरी जज बनाया उनको। एक बार एक बारात जा रही थी, बारात एक नदी के किनारे रुकी तो सब नहाने चले गए, उसमें एक जैन भाई डूब के मर गए। तो दूसरा व्यक्ति जो जेलेसी रखता था उस व्यक्ति से, एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था ना, दो व्यक्ति रह गए थे, एक डूब गया और एक रखा था, उसने आके सूचना दी वो ये डूब गया वो। तो जो व्यक्ति उस जीवित बचे व्यक्ति से ईर्ष्या रखता था उसने ब्लेम लगा दिया कि इसने डुबा के मारा है। मुकदमा तक चली गई बात, अंग्रेजों ने उसे फांसी, फांसी। गोपाल दास जी बरैया जी बोले मुझे कुछ कहना है। बोले कहो। बोले इस परिवार का सबसे छोटे बच्चे को बुलाया जाए, जिसको आप फांसी दे रहे हो उसका सबसे छोटा बच्चा बुलाओ, सबसे बच्चा बुलाया छोटा। उसके हाथ में एक पत्थर दिया, एक पत्थर, और एक चिंटी जा रही थी, वह चिंटी, बेटे इस चिंटी को मारो, हम तुम्हें 1 रुपया देंगे। 1 रुपया माने उस जमाने का 1000, उस जमाने का 1000, 1 रुपया देंगे बेटे चिंटी को मारो। वो छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, 2 साल का है, हम कहा चिंटी मारे है, हमें नहीं चाहिए पैसे, चिंटी मारे थे, हम चिंटी नहीं मार। गोपाल दास जी ने जज को कहा जिस परिवार के छोटे से छोटे बच्चे में इतना संस्कार है कि वो चींटी नहीं मार सकता, वो एक अपने साधर्मी जैन को क्यों मारेगा। बरी बरी कर दिया।
आपको कैसे कहूँ मैं, आपको कितनी महिमा गाऊँ इस इतिहास की, थोड़ा थोड़ा आपको पता लगा हो, महिमा आई हो, तो जैन शासन की समृद्धि के बारे में सोचना, जैन संस्कृति का उत्थान के बारे में सोचना। और फिर कहता हूँ, आज सबसे बड़ा भाग्यशाली परिवार वो होगा जो अपने बच्चे को जयपुर पढ़ने भेजेगा, कोटा पढ़ने भेजेगा, बांसवाड़ा पढ़ने भेजेगा। और वे बच्ची भाग्यशाली है कहाँ वाली, जोर से बोलो, हाँ गर्व करना, कोई लौट के मत जाना, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, जैन शासन को दो दो कदम आगे बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो, विचार करना। मैंने खूब टाइम ले लिया आपका, ओम नमः। कुछ जिनवाणी का, यदि जिनवाणी की इतनी महिमा है, दो पांच मिनट और सुन लीजिए, कोई भी जुलूस छोड़ के नहीं जाएगा, सब जुलूस में चलेंगे। आदरणीय पंडित साहब का आज प्रवचन नहीं, यह जिन शासन और जिन धर्म और जिन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यह हमें एक संदेश है, इसकी कैसेट तो अवश्य हमें घर घर लेकर जाना चाहिए। नहीं भाई साहब, कैसेट तो लेकर ही जाएंगे, और कल ही हमारे सौभाग्य कहें कि जिनवाणी चैनल वाले भाई भी आए हैं, वो रिकॉर्डिंग बराबर कर रहे हैं, और कुछ दिनों बाद ये प्रवचन भी आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में प्रसारित होंगे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है जो आदरणीय भाई साहब के आशीर्वाद से इतना बड़ा यह आयोजन सफलता की ओर बढ़ रहा है। गदगद हो जाते हैं हम जब देखते हैं कि साधर्मियों में कितना उल्लास है, जगह जगह बैठकर गोष्ठियां कर रहे हैं, कोई मंदिर जी की सफाई कर रहा है, कोई मंदिर जी के कलश साफ कर रहा है, कोई प्रक्षाल कर रहा है, ऐसे आयोजन होते रहें।